मुझे सबने कहा था, वॉर्न किया था कि मैं शादीशुदा आदमी से दूर हूँ, लेकिन मैं हमेशा समझती थी कि तुम सबसे अलग हो। पर देख लिया मैंने पुलिस स्टेशन, तुमने मंगल को ही सही ठहराया, मैं तो तुम्हारी प्रायोरिटी हूँ ही नहीं ना, सब कुछ मंगल ही, और इन दिनों तो कुछ ज्यादा ही। देखा सब नीचे फेंकने के बाद उसने देखा फोटो पे नजर पड़ी उसकी, फोन नीचे बैठा रखा था फोटो पे नजर पड़ी उसकी, उसने देखा होटल में उसने फेंक दिया, तो मैं चकन बात देखा शौक और वहां से बोलना शुरू करता है, बोलो अब हमारी शादी खत्म। मंगल की अपना मेरे कमरे में कोई जगह है ना ही मेरी लाइफ में, शीज आउट नाउ, जैसे अलमारी से सामान निकाल दिया ना वैसे उसे मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। सोमिया मेरे ऊपर जो कैद की सजा थी ना वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है मंगल। तुम ये क्या कह रहे हो, क्या हुआ अचानक से, कहां गए हैं मंगल, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, तुम क्या कह रहे हो। उसे ना मैं छोड़ करके आ गया, मैं तो उसे ना सूरज के जहां पे हम लोग जाया करते हैं हाइट से, वहां से साफ साफ कह दिया कि उसकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मैं वही छोड़ाया उसको। पर क्या गारंटी है कि वो वापस नहीं आएगी? नहीं आएगी, किसी फोन में कर दिए अब तक तो नहीं आया, अब आगे आएगा तो देखते हैं। और मैं गया भी तो रस्त मुक्ति भी नहीं मिले। Are you serious? क्या सच में वो दिन आ गया जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे इतने सालों से? क्या मंगल का जाप खत्म? फोन बन गया एकदम से, ये देखा फोन आ रहा है उसको वहां पे किसी को नजर पड़ गया आपको घर आ गया और उसने वापस से नहीं उसकी परछाई, थैंक गॉड मंगल के साथ साथ इससे भी पीछे टूट गया मेरा। I just can't believe this. क्या इसका ये मतलब है कि आप हम अपनी शादी की बात कर सकते हैं? तुम बोलो कब करेंगे? ये आवाज आती है, अरे अब सोमिया मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ, मम्मा शायद आवाज लगा रही बुला रही है। ओके आई लव यू, आई रियली लव यू। अदित निकालेगा मंगल को घर से बाहर, करेगा सौम्या से शादी। 200 सीरियल मंगल लक्ष्मी की ऑल लोकेशन से आपके लिए लेकर आ गए हैं लेटेस्ट अपडेट, जहां सौम्या अदित को कहती है कि तुमने आज भी मंगल का साथ दिया, तुम्हारी जिंदगी में मंगल ही तुम्हारी प्रायोरिटी है। ऐसे में अदित सौम्या को वीडियो कॉल पर दिखाता है कि वो मंगल की सारी साड़ियाँ फेंक रहा है और कहता है कि मंगल अब इस घर में नहीं रहेगी। सौम्या बहुत खुश जाती है और अदित से कहती है अब हम अपनी शादी की बात कर सकते हैं। ऐसे में अदित भी हाँ भी भरता है, सौम्या खुशी से फूली नहीं समाती। तभी अदित की माँ उसे बुला देती है और अदित कहता है मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। ऐसे में देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्या सच हो जाएगा सौम्या का सपना, क्या उसे मिल जाएगा अदित, हो जाएगी इसकी शादी अदित से, क्या मंगल छोड़ देगी घर, क्या लगता है आपको कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।